हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो। ठंडियाँ आ रही हैं, मुंबई में तो ठंडी होती नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे ठंडी आ गई है। मुंबई में दिसंबर मतलब एकदम थोड़ी सी ठंडी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए बाकी अगर आप लोग के पास ठंडी आ गई तो प्लीज़ आप लोग अपना ध्यान दीजिए, अपने बेबीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे ठंडी में बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनका ख्याल रखिए। और आज मैं आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ कि मैं रात के टाइम अपने चेहरे का, अपने बॉडी का, मीन्स मैं अपना ख्याल कैसे रखती हूँ, मैं क्या करती हूँ। तो मैं मेरा कोई भी बहुत हाई फाई या फिर बहुत सारा प्रोडक्ट लेके मैं नहीं बैठती, मैं थोड़ा ही प्रोडक्ट लेती हूँ और किसी एक प्रोडक्ट पे मैं नहीं रहती हूँ। और कुछ भी मतलब एज अ आप समझो, मैं फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ तो वो एक जो फेस वॉश है, मतलब अगर मैं अगर एक यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसको सेकंड टाइम मैं रिपीट नहीं करती हूँ। मैं सेकंड बॉटल जो मेरा फेस वॉश का रहता है वो दूसरा रहता है। मैं शैम्पू भी वही करती हूँ, मेरा कंडीशनर भी मतलब चेंज होते रहता है, बॉडी वॉश भी चेंज होता है। हाँ, मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, तो मैं वो सब चेंज करती रहती हूँ। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं रात के टाइम अपने स्किन का, अपने चेहरे का ध्यान कैसे रखती हूँ। सिंपल सा है, ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग भी घर में कर सकते हो। और आप लोग अपने अपने स्किन के हिसाब से आप लोग को ठीक लगे तो वैसे कर सकते हैं। जो मुझे ठीक लगता है, जो मेरी स्किन को सूट होता है, मैं वो कर रही हूँ। अगर आपको ये मेरा मतलब पसंद आएगा वीडियो, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो मैं अपने नाइट रूटीन में क्या क्या यूज़ करती हूँ, तो ये सारा सामान है। चलिए मैं बताती हूँ। ये मेरा फेस वॉश, चारकोल का फेस वॉश है और ये लगभग इतना ख़त्म हो चुका है। ये मैंने ऐसे रखा था इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये चारकोल का फेस वॉश है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये। फिर उसके बाद फेस वॉश के बाद मेरा ये टोनर है, गुलाब जल, इसे गुलाब जल भी बोल सकते हो, लेकिन ये टोनर है, टोनर भी है, गुलाब जल भी है। और फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर क्रीम, ओके, मॉइस्चराइजर क्रीम एलोवेरा, बहुत अच्छा है ये भी। फिर उसके बाद है सीरम है, रोजिप का सीरम है, ये बहुत 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 अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद है ऑरेंज जेल है, ये मैं एलोवेरा जेल की जगह पे ऑरेंज जेल ही यूज़ करती हूँ, मतलब मोस्टली ऑरेंज जेल यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद घी, मेरे लिप्स को मस्त मॉइस्चराइजर करता है, अच्छा करता है मेरी लिप्स के लिए, बहुत अच्छा है ये। मेरे ही नहीं, सबके घर ये सबसे इजी और सबसे अच्छा, सस्ता, टिकाऊ है। आपके घर में घी होगा ही, अगर आपके पास लिप बाम नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। रात में अगर आप ये लगा के सो रहे हो तो बहुत 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 अच्छा है। तो मेरा हो गया फेस वॉश, ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ मैं। हफ्ते में दो बार ही स्क्रब करती हूँ। अभी जल्दी में ही मैंने मतलब किया था स्क्रब, तो इसलिए आज मैंने नहीं किया। और देखिए,
अपने फेस को कभी भी टैप करके पूछना रहता है, उसको घसीटना नहीं प्लीज। और आप लोग देख सकते हो मेरा टॉवल बहुत 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 सॉफ्ट है, बिल्कुल भी फेस पे मेरा फील नहीं हो रहा। और ये टॉवल मेरे सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए है, मेरे फेस के लिए मैंने 3-4 टॉवल अलग से निकाल के रखा है और बॉडी के लिए अलग से ही है। तो चलिए अभी मैं लगाऊंगी टोनर। इसकी खुशबू बहुत बहुत अच्छी है और टोनर लगाने के बाद आप टोनर को अंदर प्रेस करेंगे ताकि वो आपके ओपन पोर्स के अंदर जाए और आपके ओपन पोर्स को मतलब छोटा कर दे, कम कर दे, धीरे धीरे एकदम ही गायब हो जाएगा, तुरंत नहीं लेकिन हाँ धीरे धीरे एकदम ही गायब हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना। प्लीज आप मेरे थोड़े से पिंपल्स के ऊपर मत जाएगा क्योंकि अभी मैं जल्दी में ही नासिक गई थी, तब से मेरा स्किन थोड़ा सा खराब हो गया है क्योंकि मैंने वहां कुछ ज्यादा ही मटर गश्ती कर लिया था। और अब मैं यूज करूंगी रोजेप सीरम, फेस सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेस सीरम मेरा रोजेप का गुड वाइब का है। इसको ज़्यादा नहीं, 3 ड्रॉप ही लेना है, बहुत कम क्वांटिटी में अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा, 3 ड्रॉप में भी लेंगे तो भी अच्छा है लेकिन मैं बहुत कम क्वांटिटी में लेती हूँ, 3 ड्रॉप मेरे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसमें खुशबू। और अपने लिप्स को मसाज करना मत भूला कीजिए, उसको भी मसाज की जरूरत पड़ती है। देखिए पूरा अच्छे से फेस पे मेरे अंदर चला गया है पोर्स के अंदर, और आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो कर रहा है ये। आपको अगर आप रूटीन डेली रूटीन पर भी लगाएंगे तो आपका फेस धीरे धीरे नेचुरली ग्लो करना शुरू करेगा। और इसका मैं आपको इसका बता सकती हूँ क्योंकि मैंने इसको यूज़ करते हुए कम से कम 6-7 महीने हो गए, मैंने कोई ऐसा पहला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैं टिक के रही हूँ और मुझे अच्छा लगा इस ये प्रोडक्ट, मुझे गुड वाइफ का रोज हिप सीरम बहुत अच्छा लगा और मेरे चेहरे पे वो नेचुरली ग्लो करता है कि ऐसा लगता कि नहीं वो अंदर से एक चमक आती है, वो वैसा है ये। अगर आप चाहो तो आप भी ले सकते हो, purple.com पे आपको ईजिली मिल जाएगा। अभी तो बहुत सारे फेस सीरम आ गए हैं लेकिन ये सस्ते में है, किफ़ायती है। हाँ आप लग रहा महंगा यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप लोग यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ ऑरेंज जेल, मैं एलोवेरा जेल भी लगाती हूँ, ऑरेंज जेल भी लगाती हूँ लेकिन ये भी लगा रही हूँ तो इसका भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है, कुछ खराब सा नहीं, अच्छा रिजल्ट है। जैसे हम एलोवेरा जेल लगा के रहते हैं वैसे ही लगा के सो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे उल्टा आपके फेस पे नेचुरली ग्लो आता है। और मैं इसको लगा के रात में सो जाती हूँ और सुबह अच्छे से फेस वॉश करती हूँ ताकि इसका जो गुड है, जिसके इसके जो अच्छे तत्व है वो मेरे स्किन के अंदर जाए और अंदर से रिपेयर करे। तो मैं वो चीज़ तुरंत लगा के तुरंत दो तो ऐसा नहीं करती, मैं रात के टाइम ही ज़्यादातर के लिए करती हूँ, दिन में बहुत कम लेकिन रात में ज़्यादा अच्छे से करती हूँ ताकि रात में जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन रिलैक्स रहती है, तार उस टाइम वो रिपेयर होती है, अच्छा काम करती है। तो हम अपने स्किन को अच्छा एक अच्छी चीज़ें देंगे तो वो हमारे स्किन के अंदर जाएगा और वो आपके स्किन को कुछ हार्म नहीं करेगा। अच्छी चीज़ें लीजिए, थोड़ी महंगी लीजिए या फिर अगर सस्ती ले रहे हो तो भी देखिए कि हाँ वो अच्छी हो
और उसको अच्छे से यूज़ करिए जो आपके स्किन को सूट करे। ऐसा नहीं है कि कोई यूज़ कर रहा है अरे हाँ ये स्किन उसके स्किन को सूट हुआ तो ये मैं भी लूँ मेरे स्किन को सूट करेगा, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। जो आपके स्किन को सूट करता है वही आप लीजिए और वही यूज़ करिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, किसी का देख के या फिर किसी का सुन के नहीं यूज़ करिए। ये देखिए हो गया है और अब मैं लगाऊंगी मेरा लिप बाम घी हल्का सा। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी कैस्टर ऑयल एक बूंद, बस एक बूंद बस इतना। और अभी आप सोचो कि रेड इधर ये वाइट, तो ये रेड वाले से मैं सिंदूर लगाती हूँ कीला करके। अपने आईब्रोज पे लगाइए ताकि ये ग्रोथ करते हैं, नेचुरली ग्रोथ होंगे, आपको एक्स्ट्रा डार्क डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आईब्रो ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि मेरे जल्दी से जल्दी आईब्रो आ जाए, घने आ जाए। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं अपने आई लैसेस पर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे मतलब डर लगता है कहीं मेरी आंखों में चला जाए, तो इसलिए नहीं, तो वो जितने हैं बस हो गया। हो गया इसको आप लोग अगर रेगुलर मतलब लगाओगे रात में रेगुलर तो शायद आपके ब्रोज आईब्रोज बढ़ जाए घने हो जाए। तो मेरा स्किन का हो गया, अब मैं मॉइस्चराइजर क्रीम लगा रही हूँ। तो मैं मॉइस्चराइजर क्रीम फेस पे इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि मैंने रोज़ हिप सीरम लगाया है, फिर एलोवेरा जेल लगाया है, तो मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगा कि वो मैं फेस पे लगाती हूँ। मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम अपने हाथ और पैरों पर लगाती हूँ ताकि मेरे स्किन को अच्छा एक सी कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ठंडियाँ चालू हो गई हैं तो ज़रूरी है हम अपने फेस का अपने बॉडी का ख्याल रखें। और मेरा ये छोटा सा नाइट रूटीन केयर कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो प्लीज़ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और आपका अभी तक जितना प्यार मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आप अपना ध्यान रखिए एंड गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स।